वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का। आज हम सूरत के तापी नदी के तट पर उपस्थित हैं। रविवार का दिन है और सूर्य पुत्री माँ का ये विशेष दिन माना जाता है और यहाँ पर जन मंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रतिदिन रोज संध्या उपासना और आरती का आयोजन किया जाता है, लेकिन रविवार के दिन विशेष रहता है, विशेष अतिथि भी आते हैं। आज इसी दौर पर सूरत के पुलिस महायुक्त, पुलिस कमिश्नर साहब, जो पुलिस चीफ अनूप सिंह गहलोत यहाँ पर पधारे और उन्होंने आरती वंदना में शामिल हुए और पूर्ण रूप से उन्होंने आरती की वंदना की। इसके विषय में हम जानते हैं माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से और उसके बाद बात करते हैं हम जनमंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष से, अवधेश मिश्रा जी से, और यहाँ पर संत समाज के लोग भी उपस्थित हैं। बात करते हैं लाल बादशाह जी से, जो हमेशा जन सेवा में भागीदार रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पुलिस कमिश्नर साहब से। आज अपने तापी नदी के घाट पे रविवार के दिन जो है सूर्यपुत्री तापी माता की आरती का जो टीम है उनके तरफ से जो दर रोज यहाँ पे माता जी की आरती की जाती है सांध काल में, तो मैं भी यहाँ पे शामिल हुआ आज जो है और माता जी की आरती किया और उनसे आशीर्वाद लिया कि इनकी कृपा जो है सदैव अपने सूरत पे रहने वाले सभी लोगों के ऊपर रहे, सभी लोगों का अच्छा खूब स्वास्थ्य रहे और सभी की उन्नति हो। लड़के बच्चे जो भी फील्ड में जाना चाहें वो जाएं, पढ़ाई लिखाई करें और सभी लोग मिलके एक भाईचारा के साथ अपने सूरत शहर में सुख शांति के साथ जिस ढंग से सूरत शहर का विकास हो रहा है उसमें सभी लोग जो प्रोग्रेस हो उसमें माता जी की कृपा सभी पर रहे। और फिर से मैं पूरी टीम को जो है आरती की जो मतलब आयोजक जितने हैं उनकी टीम को खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? सतीश सोनी लाल बादशाह जी है मेरा नाम। लाल बादशाह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपके वस्त्र है पूरे लाल ही लाल है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लाली मेरे लाल की, तित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चलो मैं हो गयो लालो लाल। तो किसके लाल में आप लाल हो चुके हैं, वो कौन है देव, किस देवता के लिए आप लाल हो चुके हैं? ये सभी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको हम ज्ञान दे रहे हैं और इनसे मिल रहे हैं और भगवान परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे जो है आगे बढ़ें और नशा ना करें और जो नशा कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद कर दें, यही हमारी प्रार्थना है। आपने लाल रंग ही क्यों चुना, दूसरा भी रंग तो चुन सकते थे? ये बहुत हमको अच्छा लगा कि एक अलग ही ड्रेस है, जैसे हनुमान जी की ड्रेस है वैसे है हमारी। हनुमान जी के आप भक्त हैं? हाँ, हम भक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे तापी आरती में आज आकर के, आपको कैसा लगा और क्या संदेश देंगे सूरतवासियों? ताप्ती माता की आरती बहुत अच्छा लगा है और सभी को लाभ लेना चाहिए। ये ताप्ती माता की आरती जो है अम्बा जी और राधा कृष्ण के बीच में जो है जगह है, बहुत अच्छी जगह है, यहीं पे आरती होती है और सबको आना चाहिए, हमारी यही प्रार्थना है। नमान सूर्यपति माता तापी, अवधेय समीका प्रसाद मिश्रा, जनमंगल कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष। यह आरती 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का शुभारंभ हुआ है और तब से निरंतर प्रत्येक दिन 6:45 पर यह संचालित होती है। उसी कड़ी में आज रविवार के दिन सूरत शहर के पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह गहलोत जी का आगमन हुआ। नमामि तापी आरती परिवार एवं सूरत के संत समाज, समाज सेवी एवं माता तापी के भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि सदैव स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें और इसी तरह से निरंतर यह आरती गंगा माता के तर्ज पे वाराणसी के निरंतर संचालित होती है। आरती की जो नित्य क्रिया चलती है जी 15 अक्टूबर 2023 यानी मतलब लगभग 10 महीना के जैसा हो गया है माह से, यह आरती प्रत्येक दिन 6:45 पर होती है। यहाँ पर जो यहाँ की जो लोकल जनता है या यहाँ के सरकारी विभाग वाले से क्या सहयोग है आपका या फिर किसी प्रकार की कोई समस्याएं तो ऐसी नहीं खड़ी होती कि जिससे आपको दिक्कत हो यहाँ पर? जी सूरत महानगर पालिका की बात करें
तो सूरत महानगर पालिका आए दिन थोड़ी बहुत सहयोग करती रहती है और साथ में सूरत शहर के पुलिस की बहुत ही यहाँ के कार्यक्रम चूँकि बड़ी संख्या होने के नाते निरंतर पुलिस बल हमारे साथ रहती है और पुलिस हर समय हमको आश्वासन देती है कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हम हर समय आपकी मदद देते आ रहे हैं। और मैं केवल सूरत जनों से या सूरत में जो आ रहे हैं सबसे निवेदन करेंगे जब भी समय मिले तो आरती में जरूर उपस्थित हों, उनके जीवन में बड़ा ही उपयोगी होगा और बड़ा ही कल्याणकारी होगा। सूरत की जनता से क्या अपील है आपकी? बस उनसे यही अपील है, आएँ और इस सूरत की गौरव, सूरत के इतिहास, माता तापी की जो कई पुराणों में इनकी महिमा का वर्णन है, अब पापनाशिनी मोक्षदायिनी हैं, उनकी आरती करें, यही उनसे आशा अपेक्षा है।